पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवती रात भर बारात का इंतजार करती रही और दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। उधर पुलिस ने भी पीड़ित की एक न सुनी और शिकायत के बाद भी पुलिस ने युवती के परिवार को थाने से ये कहकर टरका दिया कि पुलिस युवती के घर पहुंच रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो युवती के घर पहुंची और ना ही पुलिस के द्वारा पीड़िता की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर दूल्हा बना उसका प्रेमी कई वर्षों से युवती का शोषण कर रहा था। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो शादी के लिए मजबूर हुआ और शादी का दिन रविवार को तय हुआ। रविवार को दुल्हन अपने दूल्हे के इंतजार में रोती रही और दूल्हा बना प्रेमी बारात लेकर ही नहीं पहुंचा और गायब हो गया। लड़का प्यार करता था, शादी वाली हालत देख के उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया, और अब शादी का लालच देख के मेरी शादी इतवार के दिन थी, बारात भी नहीं आई, लड़का भी गायब कर दिया और कोई बारात लेके नहीं आया। पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट भी कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आज 9 साल से मेरे साथ संबंध बनाए उस लड़के ने। क्या नाम है उसका? आपका नाम? इंतजाम अली। कहाँ? अभी मना, शादी को मना कर रहे हैं घर वाले भी और वो भी। लड़का जो था हमारे भांजा था। क्या नाम? फैजी। फैजी था इंतजाम अली का लड़का। वो हमारे घर पे आना जाना था उसका। उसका जो था लड़की को बेला फसला कर उसके साथ उसने गलत नजायज संबंध करे, उससे जो था मतलब कुछ मतलब अब रह गया। फिर उसको शादी का झांसा दे करके तो उसको जो है गिराते गोली खुलवाई। मैं तो उससे शादी करूँगा। शादी का मामला कह दिया कि लगभग 5-6 महीने में मैं शादी करूँगा। शुरू में तो 2 महीने बोला, लेकिन बाद में कहता रहा वो इतना वैसे ही झांसा देता रहा, इस्तेमाल करता रहा ऐसा। तो साहब फिर जो था फिर आके बाद में अब 2-4 महीने के बाद मने कर दिया। 5 महीने हुआ हम मैं शादी नहीं कर रही। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।